आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नेहा'स फन कॉन्सेप्ट्स में। प्यारे बच्चों, कक्षा एक भाषा माधुरी डीएवी पब्लिकेशन का अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट दो। जिसका नाम है अमन। तो चलिए पढ़े और इसका मतलब समझें। आप भी अपनी अपनी पुस्तकें निकालें और मेरे साथ पढ़ते जाएं। अमरनाथ खत मत बन, सड़क पर मत चल, डगर डगर चल। इसका मतलब है एक लड़की अमन को क्या कह रही है कि अमन नटखट मत बनो, नॉटी मत बनो, सड़क के बीच में मत चलो, और जो ये पैदल चलने वालों का रास्ता है ना, ये पीली वाली पट्टी, इसके ऊपर चलो, डगर डगर चलो। मतलब डगर का मतलब होता है तंग रास्ता, पतला रास्ता, आप इसके ऊपर चलो, सड़क के बीच में मत चलो। अमन इधर उधर ठहर ठहर, बरगद पर मत चढ़, दल दल पर मत चल, झटपट कमल पकड़। अब अमन को क्या कहा गया है कि इधर रुको, बरगद के पेड़ के ऊपर मत चलो और ना ही दलदल के ऊपर चलो। दलदल क्या होता है? कीचड़। इधर आओ, झटपट से मेरे हाथ से कमल का फूल पकड़ लो। चल रथ पर चढ़, अब घर तक चल। अब लड़की अमन को रथ पर बैठकर घर तक चलने के लिए कह रही है। आइए करते हैं इसका अभ्यास कार्य। पाठ में से दो, तीन व चार अक्षर वाले कोई तीन शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो अब हम लिखेंगे दो अक्षर वाले शब्द। कविता में दो अक्षर वाले शब्द कौन से हैं? मत, बन, पर। चलिए लिखिए। अब लिखेंगे हम तीन अक्षर वाले शब्द, जो कि हैं, बताइए आप भी, अमन, सड़क, डगर, कमल। ये सब तीन अक्षरों वाले शब्द हैं। चलिए लिखिए। तीन अक्षरों वाले शब्द भी लिख दिए। अब लिखेंगे हम चार अक्षरों वाले शब्द। वो कौन से हैं दोस्तों? नटखट, बरगद, दलदल, झटपट। चलिए लिखिए। ये रहे चार अक्षरों वाले शब्द जो हमने पाठ में से ही ढूंढकर लिखे हैं। इसी के साथ हमारा ये पाठ दो अमन भी होता है। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अगर आप कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसे शेयर भी कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस और कंसेप्ट्स वाली वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।